शायद आने वाले समय में हम एनर्जी को बनाने के लिए कई और सोर्स ढूंढ लेंगे, मगर क्या हम पृथ्वी पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जैसे हवा, पानी, कोल, न्यूक्लियस, क्या हम इन सब से इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देंगे भविष्य के समय में? क्या फ्यूचर में हम स्पेस में से इलेक्ट्रिसिटी बनाकर पृथ्वी पर उसे भेजेंगे? इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे साथ एंड तक इस वीडियो पे जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपने सन से एनर्जी को बनाना इस समय काफी लोकप्रिय हो रहा है। एट द एंड ऑफ 2011 US साइंटिस्ट ये अनाउंस किया है कि उनके द्वारा न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा क्लीन एनर्जी को बना लिया गया है। साइंटिस्ट इस तरीके का एनर्जी का सोर्स चाहते हैं जिससे कि रिन्यूएबल और अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स जिसे बनाया जा सके। सच्चाई तो ये है कि हमारे साइंटिस्ट कई दशकों से ही सन की पावर को यूज करके एनर्जी बनाना चाहते हैं। इसमें से ही एक है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल किसी भी तरह की हानिकारक गैसों को हवा में छोड़े बिना ही धरती पर आने वाले सोलर रेस से ही एनर्जी को परिवर्तित कर देती है, और रात के समय अंधेरे के कारण हम सूर्य से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन सोलर पैनल को स्पेस में ही इंस्टॉल कर दें, जिससे कि हम इनसे 24 आवर्स तक अनलिमिटेड ऊर्जा पैदा कर सकते हैं? आइजैक असोमा के द्वारा इसका कारण बताया गया था कि कैसे अर्थ के ऊपर स्पेस में हम जरूरी ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। इस आइडिया के अनुसार हम सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजेंगे, जिससे कि वो एक बीम के जरिए स्पेस में इकट्ठी की गई एनर्जी को धरती पर भेजेंगे। हमारे साइंटिस्ट इस बात पर जांच और परख कर रहे हैं कि कैसे स्पेस में हम सोलर पावर से दुनिया को रोशन करेंगे। ये कुछ उसी तरह है जैसे हम आज से पुराने समय में थे, जहां हम ऐसी खोजों से बहुत दूर थे। अगर हम इस तरीके के सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे तो जो स्पेस में जाकर वहां अनलिमिटेड एनर्जी को सोर्स बनेंगे और धरती को भी ऊर्जा भेजेंगे, ऐसे सैटेलाइट को बनाना काफी कॉस्टली होगा। 2013 में किए गए एक डोनेशन की वजह से कैलटेक साइंटिस्ट इसकी वजह से स्पेस सोलर पावर की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। उनका प्लान ये है कि वो स्पेस में एक सोलर पावर डिजाइन, जिसके कि हर पैनल का वेट 110 पाउंड होगा, एक प्रोटोटाइप डिजाइन को 3 एक्सपेरिमेंट में टेस्ट करेंगे। इसको लॉन्च करने के बाद उनका लक्ष्य ये होगा कि इस सोलर पावर स्टेशन को अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ा जाए, जिससे कि हम स्पेस में एक इलेक्ट्रिक स्टेशन बना सके और उससे बनी ऊर्जा को हम वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के जरिए धरती पर ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगों को हम धरती पर हम उन्हें रिसीव करके उन्हें ऊर्जा में बदल सकते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल हम पावर ग्रिड के रूप में कर सकें। मगर हमें इस स्ट्रक्चर को स्पेस में कम से कम आधा मील जितना बड़ा बनाना होगा, तभी हम धरती पर इतनी ऊर्जा को धरती पर भेज सकेंगे। शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हम ये कर भी लें, मगर ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपको नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।